बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रहे शशि कपूर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, शशि कपूर का निधन हो गया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शशि कपूर, जो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, 79 साल की उम्र में 79 की उम्र में शशि कपूर का निधन हुआ है। पद्म भूषण से सम्मानित और साल 2014 में दादा साहब फाल्के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। लंबी बीमारी से जूझे और मुंबई में शशि कपूर साहब का निधन हो गया है। विकास, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, काफी लंबे वक्त से तबीयत उनकी खराब चल रही थी और 79 साल की उम्र में महान अभिनेता शशि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद समाचार है, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि उन सभी चाहने वालों के लिए। या ये कहें कि ये एक ऐसी खबर अभी आई है कि जिसने बॉलीवुड को पूरा कह सकते हैं कि गमगीन कर दिया है। और साफ तौर से शशि कपूर साहब की जो जगह है, और चाहे वो एक्टिंग में कहें, वो अभिनेता जो जिस तरीके के थे, वो आज भी लोग हर जनरेशन के, चाहे वो छोटे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर जनरेशन के लोग उन्हें याद करते हैं। आज भी उनकी फिल्म जब देखते हैं वो पर्दे पर, टेलीविजन पर, तो लोग बहुत याद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ही ये उनकी खबर आई, अमिताभ बच्चन जी ने भी ट्वीट किया, लगभग बॉलीवुड पे सैलाब सा आ गया है, हर कोई शोक कर रहा है। ये बहुत बड़ा लॉस है, ना सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। पिछले काफी वक्त से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, अपने आखिरी वक्त में क्या अस्पताल में थे या घर पर थे? देखिए, काफी समय से शशि कपूर साहब हैं, वो अस्पताल में भी थे, उसके बाद उनको घर भी ले जाया गया और घर में भी ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि कमजोरी काफी, जो उम्र उनकी हो गई थी, तो कमजोरी जो है वो लगातार उनको घेरे हुए थी। तो डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो घर पे भी आती थी लगातार। लेकिन जो अभी समाचार आ रहा है, जो खबर आ रही है, वो यही है कि वो मुंबई में अंधेरी में कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, वहां पर जो है उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। वहां पर ले जाया गया था जब उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा नासाज हो गई थी। डॉक्टर की पूरी टीम घर पर तो लगातार आती ही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अस्पताल में जब ले जाया गया, क्योंकि जब हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, तो उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर है उन्होंने आखिरी सांसें ली। अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है। परिवार के कौन कौन से लोग अभी वहां पर पहुंच पाए? देखिए, कपूर खानदान पूरा जो है वो वहां पर पहुंच रहा है। हर ऋषि कपूर लगातार अभी उनका फोन बिजी बता रहा था, लेकिन यही खबर है कि सारे लोग जो कपूर खानदान है वो वहां पर पहुंच चुका है, पूरी फैमिली वहां पर मौजूद है मौजूदा स्थिति में। और दूसरी तरफ बच्चन साहब भी वहां पर, खबर यही आ रही है कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े सितारे हैं और जिन्होंने उनके साथ भी काम किया है और जो उनकी फिल्में भी देखते आए हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब अस्पताल में, क्योंकि उसके बाद यही है कि कपूर खानदान तो लगभग पहुंच चुके हैं सारे लोग, क्योंकि उनको पता था कि जो है हालत गंभीर बताई जा रही थी। और जो डॉक्टर की टीम घर पे आती थी, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि अब इनको अस्पताल ले जाइए। यहाँ पर जो प्राइमरी जो इलाज करते थे वो नहीं, वो उन्होंने कर लिया था, और बाकी जो है वो अस्पताल के लिए उनको रवाना कर दिया गया था। और पूरी फैमिली तो वहीं थी ही, लेकिन कुछ लोग जो हैं बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया भी, वो लोग भी अब जैसे ही उनको समाचार मिला तो वो लोग भी अब अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। जी, अभिनेता रंजीत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, बेहद दुखद खबर, आपने काफी साथ काम किया है, अब 79 साल की उम्र में शशि जी इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे हैं, काफी लंबी बीमारी से वो जूझते रहे, एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और खास तौर से आपके लिए। जी हाँ, वेरी सैड न्यूज, बट अगेन सैड सिंस ही इज नॉट गिविंग वेल, यू नो। और फिर उसके एज फार एज मेरा उनके साथ में जो रिश्ता बना था, एक शर्मिली थी मेरी शुरू से और उसके कैरियर में, और पहले दिन से ही एक उनके साथ काम करने में इतना मजा आया, दोस्ती हो गई, मेरे साथ मजाक किए, उनके साथ मजाक किए, एंड अब सब फ्रेश बैक, इतनी सी सब अभी यादें आ रही है, यू एंड अभी क्या है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, एंड यू ओनली प्रे
having his peace wherever he is. So that's all. हम उनकी एक्टिंग की बात करते हैं और साथ ही जो फर्स्ट फैमिली कही जाती है बॉलीवुड की कपूर खानदान की हम बात करते हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं लगती 2015 की बात है दादा साहब फाल्के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया पूरा कपूर परिवार उनके साथ था आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी नहीं परिवार तो हमारी इंडस्ट्री में देखिए पूरा कपूर खानदान तो हो ही गई लेकिन होल इंडस्ट्री जो जितने भी जिन्होंने उनके साथ में काम किया और जिन्होंने काम नहीं किया वो सबको मिस करते हैं एंड वो बड़े चार्मिंग थे बड़े लवेबल थे कभी उनके साथ किसी का कभी को टेंशन नहीं सुनाई दिया और मेरे साथ तो काफी यू नो आई वाज वेरी लकी मेरी शुरुआत की करियर में उनके साथ में पिक्चर की तो बड़ा मजा आया और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पहला शॉट स्विमिंग पूल के अंदर उनके साथ बैठ की और उसके बाद मैंने बहुत सारी पिक्चर की उनके साथ एंड शुक्रिया रवि साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनेता रवि किशन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि किशन साहब आपने भी इस दुखद खबर को सुना होगा 79 साल की उम्र में शशि कपूर साहब बड़ी लंबी बीमारी के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे जी जी बहुत दुखद है बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं इस धरती पर और अच्छे कलाकार के साथ अच्छा इंसान ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है He was a gentleman, thorough gentleman, बहुत English man थे वक्त के पाबंद थे और उनके बारे में हम बहुत किस्से चुकी हमको 25 साल हो गए हम सुनते रहते थे I used to go and meet him, पृथ्वी थिएटर पे जाकर हम उनको मिले भी थे लकीली आशीर्वाद भी मिला और वो व्हील चेयर पे थे बिकॉज अभी आखिरी के दिनों में वो चल नहीं पाते थे सो बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने थर जेंटलमैन मतलब बचपन से उनको देखते थे स्क्रीन पे लगता था एक अच्छा इंसान एक अच्छा आदमी पर्दे पे रोल कर रहा है यू नो वो एक फीलिंग बहुत कमाल की थी कि एक अच्छा आदमी आया पर्दे पर यू नो एक स्माइल के साथ मोतियों की तरह स्माइल थी उनकी तो ब्यूटिफुल बहुत यू नो बट ही वॉज नॉट वेल तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनको मोक्ष प्राप्ति हो